अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और अभी तक हम लोगों ने सब मतलब सारी थ्योरी पढ़ी है ना। अब हम लोगों ने गेम इंजन पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ी बहुत आईडीई पढ़ ली। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर देखेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अब देखने को हो सकता है कि थोड़ा सा आसान लगे कि यार मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इसमें क्या मुश्किल होगी, लेकिन दो तरीके से इंस्टॉलेशन होती है जब हम लोग यूनिटी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक यूटिलिटी मिलती है, मतलब यूनिटी इंस्टॉलर एक्चुअल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, और दूसरा एक तरीका है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कि हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अभी तक के फीडबैक के हिसाब से चैनल के ऊपर यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ वाले भी हैं, मैकिंटॉश वाले भी हैं। तो अगर आप विंडोज़ वाले हो या मैकिंटॉश वाले हो, दोनों तरीके से मैं आपको जो है इंस्टॉलेशन करके बताऊँगा किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दो बार वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और क्या करूँगा मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, वो ये कि दोनों जो है ना मतलब स्क्रीन आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप मैक वाले हो आप एक साइड देखो, विंडोज़ वाले हो तो दूसरी तरफ देखो। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जाना है इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर, भले आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, आप जाओ वहाँ पे और वहाँ पे लिखो डाउनलोड यूनिटी हब। ठीक है, आपको यूनिटी से पहले यूनिटी हब डाउनलोड करना है। और यूनिटी हब बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, छोटा सा एक यूटिलिटी है जो कि यूनिटी वालों ने ही दी है, जो कि आपको ये सपोर्ट देती है कि आप एक टाइम के ऊपर दो यूनिटी के वर्जन रखो विदाउट एनी मतलब कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा स्पेस, कि वो ज़्यादा जगह ना घेरे। दूसरी ये चीज़ कि अगर आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी प्लेटफॉर्म की सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजिंग है, मैं बताऊंगा। प्लेटफॉर्म की सपोर्ट का मतलब है आपको एंड्रॉयड के ऊपर अपनी बिल्ड निकालनी है, एंड्रॉयड के ऊपर गेम बनाना है या iOS के ऊपर गेम बनाना है, आप उसी यूटिलिटी से कर सकते हो। ठीक है, आपको अलग से जो है ना सेटअप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक छोटी सी यूटिलिटी डाउनलोड करोगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे जिसका नाम है यूनिटी हब। ठीक है, तो यूनिटी हब के ऊपर गए, यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पे आ जाओगे, इंस्टॉलिंग यूनिटी हब के ऊपर आ जाओ या डाउनलोड यूनिटी के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे इस बटन के ऊपर आपको दिखेगा डाउनलोड यूनिटी हब। अभी हम लोग एक्चुअल वर्जन के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है, हम लोग अभी वो यूटिलिटी डाउनलोड कर रहे हैं जिससे हम लोग यूनिटी का वर्जन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो क्लिक कर लो इसके ऊपर, ये आपको जो है ना एक सेटअप फाइल डाउनलोड कर देगा जो कि आप अपने पास सेव कर लो। ठीक है, अब मैंने अपने पास ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो राइट से थोड़ा सा टाइम लेता है, 70-75 MB का सॉफ्टवेयर है। तो अब जो है ना हम क्या करेंगे, हम इस सेटअप के ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे, इंस्टॉलेशन मैं खुद भी कर रहा हूँ, स्क्रीन आ जाएगी अग्री, इसने अपने पास से वेरीफाई कर लिया। एंड देन हमें यह क्या करना होता है मैक के ऊपर, जिन्होंने मैक यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ करने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो कॉपी हो गया, मतलब प्रीटी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सिर्फ जो है इसको कॉपी करना है या इंस्टॉल करना है। अब नेक्स्ट फेज जो है वो यहाँ पर आके अब यूनिटी हब स्टार्ट कर दोगे। जब आपके पास विंडोज़ के अंदर ही यूनिटी हब इंस्टॉल हो जाए तो आप जो है यूनिटी हब स्टार्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन ज़रा बंद कर दूँ पीछे वाली, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये है हमारे पास यूनिटी हब का एक जो है ना फ्रंट का ओवरव्यू। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स का टैब है, उसके बाद लर्न का टैब है, कम्युनिटी है, जिन लोगों के पास फर्स्ट टाइम यूनिटी इंस्टॉल हुआ हुआ है उनको यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, आपके पास भी लिस्ट आ जाएगी। अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे यूनिटी वर्जन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद टारगेट प्लेटफॉर्म है कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिल्ड कर रहे हो या किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप गेम बना रहे हो और ये कब मॉडिफाई हुआ था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स का टैब है। नेक्स्ट जो है हमारे पास टैब वो लर्न का है। लर्न का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है यूनिटी अपने पास से ट्यूटोरियल्स डालता रहता है, डिफरेंट वीडियोस डालता रहता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं। इसके अंदर कुछ एसेट पैक्स भी हैं जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी बिल्ट गेम्स हैं जो कि आप देख सकते हो। कम्युनिटी मतलब उनकी अपनी अनाउंसमेंट की जगह है जहाँ पे वो जो है ना अपने ब्लॉग्स, अनाउंसमेंट, फोरम्स के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे शो करवाते हैं। चौथी चीज़ आती है इंस्टॉल्स। ये वो फेज़ है जहाँ पे हम लोग अपना यूनिटी का वर्जन इंस्टॉल करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी दो यूनिटी के वर्जन इंस्टॉल हुए हैं। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले यूनिटी हब को अनइंस्टॉल किया था, मैंने यूनिटी के वर्जन को अनइंस्टॉल नहीं किया था। यार काम है मेरा, मतलब काम मेरे पास है थोड़ा बहुत करने के लिए। तो
मैंने इसलिए यूनिटी हब को इंस्टॉल करा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो यूनिटी के वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँ और ये यहाँ पे मुझे यूनिटी के वर्जन दे देगा कि मेरे भाई ये अवेलेबल है, लेकिन हमें इनमें से कोई सा भी नहीं करना। और उसकी वजह ये है कि ये जो यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा ना, ये हो सकता है आप लोग के सिस्टम के ऊपर अटके, और इवन ये लेटेस्ट वर्जन जो है बिल्कुल 2020, ये मैं अपने इस मैक के ऊपर भी नहीं कर रहा फिलहाल। मेरा मैक इतना ज़्यादा जो ना नया नहीं है, थोड़ी पुरानी मशीन है, लेकिन मैं उसके ऊपर इतना लोड नहीं डाल सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा। तो यूनिटी इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रोम के ऊपर दोबारा से, न्यू टैब के ऊपर, डाउनलोड यूनिटी, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि डाउनलोड यूनिटी, और ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करने के बजाय हम यहाँ पे आर्काइव के ऊपर क्लिक करेंगे। और आर्काइव का मतलब है कि हमें लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में उस पेज के ऊपर जाना है जहाँ पे हमें पुराने वर्जन दिख सकें, क्योंकि हम लोग पुराने वर्जन इंस्टॉल करेंगे, नया वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आर्काइव का पेज खुल जाएगा और ये हमें जो है डिफरेंट वर्जन्स की पूरी लिस्ट दिखाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 का टैब है, 2020.x, ये एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन है इनकी। यूनिटी के अंदर वर्जन्स का हिसाब ये है, एक मेन नंबर होता है, मेन नंबर के बाद वहाँ पे सब नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 2020.x का मतलब है 2020.1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद 2019 है, 2019 के अंदर भी 2019.4.10, ये वर्जन बहुत मैटर करते हैं। आप आगे वाले वर्जन के ऊपर नहीं जाते, ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट खोला हुआ है तो आप उसी वर्जन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट खोलोगे हमेशा। तो हमें क्या करना है, हमें एक पुराना वर्जन इंस्टॉल करना है। हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2018 का एक पुराना वर्जन, जो कि हम लोग कर लेते हैं, समझ लो हम लोग करते हैं, ज़रा मैं यहाँ पे कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास 4GB रैम है, ठीक है, या आपका सिस्टम छोटा है मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप जाओ यूनिटी 5X के ऊपर और यहाँ पे 5.6.6 इसके ऊपर यूनिटी हब पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ रैम है, मतलब 8GB से ऊपर है या 8GB भी है तो उसके ऊपर भी चल जाएगा, प्रोसेसर आपका डिसेंट है, आप क्या करो, आप ये 2018.x के टैब के ऊपर आओ और यहाँ पर आके आप कर लो 2018.4.20, ठीक है। आप ये इसके ऊपर क्लिक करके यूनिटी हब पे क्लिक करोगे, ठीक है। हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, मैं अगर दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आ जाऊँ, यूनिटी हब के बाद हमारे पास ये डाउनलोड विंड भी है, डाउनलोड मैक भी है, और अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें तो यूनिटी इंस्टॉलर एक खुद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिर्फ एक वर्जन इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, आप जाके इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद ये आपका यूनिटी हब जो है ना वो खोलेगा, और उसके बाद ही यहाँ पर आपको सपोर्ट देगा, ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब ये है आपको जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना गेम बनाना है, ये आपसे पूछा कि यार क्या उसका मैं एक छोटा सा पोर्शन इंस्टॉल करूं अपने साथ, या सिर्फ जो है ना डिफॉल्ट यूनिटी रखूं अपने पास। अब सिर्फ डिफॉल्ट यूनिटी का रखने का मतलब ये है कि वो सिर्फ पीसी के ऊपर गेम निकालेगा, वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं निकालेगा। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर ना सिर्फ एंड्रॉयड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, iOS फिलहाल नहीं रखते, और ये हटाए दें, ये जो है ना विफोरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में देखेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ जो है ना एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, और नीचे यहाँ पे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर एक दूसरा आईडी इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, आप उसको चेक करना, उसका नाम होगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है, या फिर मोनो डेवलप, अगर 5.6 वाले हैं उनके पास होगा मोनो डेवलप, वरना विजुअल स्टूडियो, आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो जाएगी, और इंस्टॉलेशन के बाद ना आप यहाँ पर बस इंटरनेट की बेस के ऊपर यहाँ पर कार्ड आ जाना चाहिए, और ये हमारे पास कार्ड आ गया। अब ये कार्ड क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, इसको चलने देना मेरे भाई, इसको एंड नहीं करना, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन नहीं करना यार, इंस्टॉल कर रहे हो ना, मतलब क्या जरूरत है, ठीक है। ये एक ब्लू लाइन है, ये कंप्लीट होगी, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है, और यूनिटी दिखता कैसा है, ठीक है, यूनिटी दिखता कैसा है। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स मेंशन करो, और ज़रा मुझे वो स्टेप्स बताओ जिससे जो है ना हम लोग यूनिटी हब इंस्टॉल कर सकते हैं, और फ़र्क क्या है, मतलब यूनिटी हब में और जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट इंस्टॉलर में, उसमें फ़र्क क्या है,
इस वीडियो के अंदर सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, मैंने ऑलरेडी बताए हैं, तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो जरा कमेंट से मेंशन करो, ठीक है। जो फीडबैक फॉर्म है उसको एक बार लाजमी देख लेना, अगर कहीं ये लगे कि यार मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ रखी है या कुछ एक्सप्लेनेशन से रह गई है, मुझे मेंशन करो, मैं आपको पर्सनल में जवाब दे दूंगा, ठीक है। पर्सनल में भी जवाब दे दूंगा, फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, वहां पे भी जवाब आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।